जय हिंद दोस्तों, विद्यार्थियों, कैसे आप सब? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। और आज मैं एक टाइप का प्रश्न ही लेकर आया हूं। आज का प्रश्न होगा चुनाव से संबंधित। चुनाव से संबंधित और मिश्रण के प्रश्न हम दो टाइप देखेंगे और आज की क्लास में आने वाला है इंटरेस्ट, क्योंकि सभी सवाल ऐसे सवाल हैं जो रेलवे सहित अन्य परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है और पूछने की संभावना बन रहा है। चलिए चलते हैं, सवाल पढ़ते हैं, सवाल समझते हैं और सवाल को आंसर देते हैं और सवाल का करक जवाब देते हैं। आइए, अगर आप फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपा करके चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि चैनल को जो है थोड़ा मजबूती मिले। चलिए, वही गुरुदक्षिणा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं तो एक उम्मीदवार को 507 वोट मिला, जो 65% था, तो वोटों की कुल संख्या कितनी थी? एक व्यक्ति को चुनाव में 65% वोट मिल रहा है, 65% जो 507 था, कितना था? 507 वोट था। तो कह रहे कि चुनाव में तो वोटों की कुल संख्या कितनी थी? दो उम्मीदवार लड़े, एक एक को मिला उसमें 507 वोट, जो 65% था, तो आप निकाल दीजिए, 65% का मान है 507, तो 1% का मान निकाल दीजिए, 507 और बटा में हो जाएगा 65, ठीक है। और टोटल पूछ रहा है तो किसी भी चीज का टोटल संख्या कितना होता है? 100 ना, तो टोटल 100 से गुणा कर दीजिए टोटल वोट के लिए, काटिए इसको, 13×5=65, ठीक है, 13 मरतबे, इसको काटिए, 13×3=39, 13×9=117, 5 से कट के हो जाएगा 20, 0, ए हो जाएगा 780, क्या हो जाएगा? 780 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है केवल चुनाव से संबंधित और उसके बाद मिश्रण से संबंधित प्रश्न होंगे। अगले तीन जो है इसी टाइप से, अगर एक टाइप चल रहे हैं संख्या पर आधारित प्रश्न होंगे, केवल एक टाइप के प्रश्न एक जगह पर होंगे। तो प्रत्याशी खड़े हुए हैं चुनाव में और कुल वोट पड़े और कुल वोट का 60% वोट प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से जीत जाता है। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करना है। व्यक्ति को 60% मिला, कितना मिला? 60%। दो व्यक्ति खड़े हैं, एक को 60% मिला तो दूसरे को मिलेगा 40%, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 20%। और यही डिफरेंस, मतलब ये 20% वोट से जीत रहा है, लेकिन संख्या में दिया है 1400, ठीक है। इसको काटिएगा तो यह हो जाएगा 70, 1% का मान हो जाएगा कितना? 70। पूछ रहा है कि जो जीता है, जीतने वाले प्रत्याशी को वोट कितना मिला? तो 1% का मान है 70, तो जो विजेता है, विजेता उसको कितना मिला? तो देखिए, विजेता को कितना परसेंट प्राप्त है? 60%, और 1% का मान है 70, तो गुणा कर दीजिए 60% में 70 से हो जाएगा कितना? 4200। आपका उत्तर आ जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, 4200 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? चलिए, यह शानदार जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें से 2% अवैध घोषित हो गया। माने जितने लोग इस पर, माने टोटल 100% होता है, टोटल लोग थे कितना, मत टोटल कितना था, माने लोग इसमें थे 100%, टोटल मतदाता 100% थे, 75% वोटिंग करते हैं, 75% ही वोटिंग हुआ है, ठीक है। अब है कि अपने मत डाले, उसमें से 2% निरस्त कर दिया गया, 75% में जो 2% था उसको निरस्त कर दिया गया। एक प्रत्याशी ने 9561 मत प्राप्त किए, जो टोटल वैध मतों का 75% है। समझने वाली बात है, हमें वैध मत मालूम है 100%, इसका 75% मतदाताओं ने मत डाला है, मत डाला है कितना, तो 100% था, लेकिन 75% मतदाताओं ने, माने मत अपना डाला है,
अब कह रहे ये तो 75% अपने आप में कितना है, 100 है ना, 100 है। तो अब इसमें से 2% ही, सिर्फ 2%, आप चाहो तो यहां एक और बात कर सकते हो, एक्स मानकर बना सकते हो, एक्स मानकर कि टोटल वैध मत मान लेते हैं, चाहे नहीं भी मानोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मतदाता मान लीजिए 100% था, इसमें से 75% मतदाता ने वोट दिया, माने 75 मतदाता ने वोट दिया, ठीक है, ये अपने आप में अब समझ लीजिए कि 100 है। अब क्या है कि 2% अवैध घोषित हो गया, तो वैध कितना मिला, 98, ये अपने आप में फिर हो गया, मान लीजिए 100 है, ये वैध मत बने 98। अब कोई भी चीज जब हो जाता है ना अपने आप में 100 हो जाता है। फिर कह रहे हैं कि एक प्रत्याशी ने 75% वोट प्राप्त किया, ये जितना वैध मत है ना, जितना वैध मत है उसका 75% इस व्यक्ति ने प्राप्त किया, तो टोटल कह रहा है कि कितना, ये टोटल मान लीजिए है 9961। ये जो भी मान आया है ये सब किस में है, प्रतिशत में है, क्योंकि आपने प्रतिशत में माना है ना, तो प्रतिशत लिखना पड़ेगा। अब इसको काटिए आप, जिसे यह कट सकता है आप उससे काटिए, कितना कितना से कटेगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि यह जो 25 × 75, ठीक है, तो 25 × 75 हो गया और यह 25 × 100 हो जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ यहाँ आप काट सकते हैं 14 मरतबे, 14 × 7 = 98, 7 से काटिएगा तो यह कितना होगा, इसको काटिएगा 7 से, तो 7 × 7 या 2 × 17 = 21, 7 × 14 = 17 = 21, इतना हो जाएगा। फिर अब इसको काटा जाए, माने 7 से भाग दिया तो इतना हो जाएगा। अब इसको फिर काटिए, फिर काटने पर देखिए कितना हो रहा है, तो अब एक कटेगा, अगर हम 7 से काटते हैं तो 7 × 14, 7 से काटिएगा तो 1 मरतबे, यहाँ 662 हो जाएगा, 7 × 8 = 56 हो जाएगा, और फिर 9 × 7 = 63, फिर इसको काटिए आप, इसको काटिएगा तो यह आ जाएगा कितना, 63 मरतबे, कैलकुलेशन इसका बड़ा है, काटना तो पड़ेगा ही। और फिर इसको काटिए, कैसे कटेगा, तो ये 2 से कट जाएगा, 50 हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये 25 × 75 × 25 = 100 कट जाएगा, ऐसे ही यह 3 से कटेगा, 21 हो जाएगा। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऊपर कितना है 1%, 1% का माना गया 21 गुने, ये नीचे है तो सब ऊपर चला जाएगा, 4 × 50 = 4 हो जाएगा, लेकिन आप जानते हैं ये तो 1% का मान है और हमें निकालना है 100% का मान, तो हमें करना होगा 100 से गुना करना होगा। ये 1% का वैल्यू आया, कैलकुलेशन कर लीजिए कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो 0 × 20 = 80 × 8 = 168, ये आपका टोटल कैलकुलेट करके, यहाँ मैंने 100 पहले इसको यहाँ पे जो 100 लिखा गया है, ये 100 जो लिखा गया है, तो यह आपका टोटल परसेंट कैलकुलेट हो गया है, मैंने हमको निकालना था 75% निकालना था, तो 75% निकालना था, तो यहाँ जो वैल्यू आया ये 75%, यहाँ 75 तक ही छोड़ देना था हमें, लेकिन मैंने यहाँ बटा में 100 लिख दिया है ना, तो बटा में 100 लिखा है, तो यह जो टोटल जो वैल्यू आ रहा है यही आपका 16,800 आपका कैलकुलेशन आ गया, जो कैलकुलेट करके आ गया 16,800, ठीक है। इसको आप परसेंटेज के रूप में, यहाँ मैंने यहाँ 75 लिखकर और 75 के बाद 9961 हो जाता, लेकिन नीचे क्या लिखा गया 100%, तो यहाँ जो कैलकुलेट करके आएगा ना वो डायरेक्ट आपका आ जाएगा पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। माने आपने इस प्रकार से इसको समझा, एक बार और देख लीजिए, आप परसेंटेज चाहते हैं तो परसेंटेज के रूप में मानिए, टोटल जो है टोटल आपका 100% है, मतदाता कितना है 100%, इसमें जो है आप कह रहे कि वैध मत, इसमें लोग दे रहे हैं वोट कितना 75%, कितना दे रहे हैं 75%। अगर आप चाहें तो एक्स मानकर भी बना सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं परसेंट मानकर नहीं हम एक्स मानकर बनाएंगे, एक्स मान लो, एक्स अपने आप में कितना है 100 है, ठीक है, इसमें कितने लोग भाग दिए 75%, माने 75% का मतलब 100 था लेकिन 75 आदमी ने ही वोट किया है। अब इस 75% वोट किया है तो ये अपने आप में कितना होगा 100 होगा। इसमें अब क्या है कि वैध मत कितना रहा, वैध मत इसमें से करे कि 2% अवैध रहा, तो 100 था लेकिन 98 ही वैध मत रहा। मतलब देखिए एक टोटल मान लिया गया मतदाता, ये अपने आप में 100 है,
75% मतदाता मत डाला तो ऊपर 75 लिख दीजिए, फिर अपने आप में नीचे 100 है, 2% अवैध हो गया तो वैध कितना रहा 98, फिर अपने आप में कितना रहा 100 रहा। फिर कह रहे कि भाई ये टोटल का 75% जो है वैध मत, 75% जो मिला इसका 75% जो मिला 100 था तो 75 जो मिला यह 9161 के क्या है बराबर है। ठीक है, तो ये सब कट जाएगा, आप काटिएगा तो ये सब कट कर कैलकुलेशन हो जाएगा और 25 × 3 = 75 और 25 × 4 = 100 हो जाएगा। फिर इसको काट दीजिएगा जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, ये सब जो कैलकुलेट आप कीजिएगा तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा 16,800 जैसे अभी इसके पहले काट कर बताया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, इसको आप काट दीजिएगा, ये आपका कट जाएगा और फिर काटिएगा तो 14 7 से काटिएगा तो 7 से काटिएगा तो हो जाएगा 1, फिर 17 × 21 = 14 17 × 21 हो जाएगा। फिर इसको अगर काटना चाहते हैं फिर काटिए, 2 से 7 मरतबे 1 हो जाएगा, 856 ये 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर यह कटेगा 63 मरतबे कट जाएगा, फिर ऐसे ही आप काटते जाइए, ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, एक कटेगा 25 × 3 = 75 25 × 4 = 100 3 से कटेगा तो 21 हो जाएगा। अब पूरा कैलकुलेशन आप देख लो, 2 है 4 है, अब 2 × 4 गुणे क्या है 100, ये सब चला जाएगा ऊपर, इधर क्या है 21 है, तो कैलकुलेट करके आ गया 16,800 आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाला, इस चुनाव में केवल दो ही प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी थे कुल मतों का 48% वोट प्राप्त करता है और 1100 मतों से चुनाव दूसरे प्रत्याशी को हरा देता है, चुनाव में कुल कितने मत थे। बात ऐसा है कि टोटल तो आप जानते हैं 100% ही था, लेकिन 8% तो वोटे नहीं डाला है, 8% वोटे नहीं डाला है, तो जब 8% वोटे नहीं डाला है तो बचा कितना 92%, टोटल 92% बचा। अगर है कि टोटल मत का, टोटल जो मत है जो कंप्लीट मत डालना था उसका 48% मत प्राप्त किया है और 1100 मतों से दूसरे उम्मीदवार को हरा दिया है, तो 48% प्राप्त किया है, टोटल था 92, 48% प्राप्त करता है, तो ये 48% जब अकेला यह प्राप्त करता है, 8% लोग तो वोटे नहीं किया तो बचा 92%, तो इसमें से 48% एगो को मिला तो दूसरा को मिलेगा 44%, दोनों के बीच का अंतर क्या है 4% का है ना, तो 4% दोनों के बीच का अंतर है और वोट में कितना का है 1100 का है, 1100 का है। तो कह रहे कि भाई टोटल चुनाव में कितने मत थे, तो चुनाव में तो 100% न थे, यहां से 1% निकालिएगा तो 1100 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 100% टोटल होता है तो टोटल में 100 से गुणा कर दीजिए 25 से कट जाएगा, यह हो जाएगा 275 00 27,500 ऑप्शन नंबर आपका टी हो जाएगा। ठीक है, 8% वोट नहीं मिला तो 92% मिला तो और इसमें से एक हो जाएगा 48 तो दूसरा हो जाएगा 44, दोनों के बीच का जो अंतर होगा 4% का होगा, 4% का मान हो जाएगा 1100, 1% का 1100 × 4 और टोटल होता है 100 गुणा कर दीजिए कट जाएगा, ये हो जाएगा 27,500। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% वोट मिलता है, अन्य उम्मीदवार को उसको 270 वोटों से हराया तो कुल कितने वोट पड़ेंगे। देखिए टोटल होता है 100%, टोटल वोट कितना होगा 100%, एक को मिला 41%। ठीक है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, जब 100 में से एक को 41 मिला है तो दूसरे को 59 मिलेगा। ठीक है, और करें दोनों 270 वोट से हराया, माने अंतर दोनों के परसेंट का कितना है, दोनों के परसेंट का जो अंतर होगा वह 18% का है, कितना परसेंट का है, दोनों के बीच का अंतर 18% का है और ये अंतर 270 के बराबर हो जाएगा। अब ऐसे ही 1% का मान निकाल लीजिए तो 270 और बटा में हो जाएगा 18 हो जाएगा और टोटल आपको चाहिए कुल कितना वोट पड़ा तो 100 से गुणा 9 × 2 = 18 और 27 हो जाएगा, दूसरे काटिएगा तो 15 और 15 में 100 से गुणा कीजिएगा तो 1500 आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज केवल चुनाव से संबंधित प्रश्न हो रहे हैं, जितने भी छोटा टाइप बड़ा टाइप सब टाइप का प्रश्न होगा
और एक पूरा कंसेप्ट समझने के बाद ये काफी आपको आसान लगेगा। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप प्रीवियस में जाइए, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर तक बने हैं, उस पार्ट फोर तक के वीडियो को आप देखिए और तब मजा आएगा ना, गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन सेम वैसे ही है। टोटल चुनाव में कितने लोग हैं, 100%, 43% एक को वोट मिलता है तो दूसरा को कितना मिलेगा, 57%, एक को 43%, दूसरा को 57%। तो अब जो है दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 14% का, और इधर टोटल वोटों का अंतर कितना है, 420 का। 1% का मान अगर निकालना है तो यह कटकर हो जाएगा कितना, 30। 1% का मान हो जाएगा 30। तो पूछ रहा है कि कुल कितना वोट चाहिए, कुल कितना वोट दिया गया है, तो आपको क्या करना है, टोटल के लिए 100 से गुना कीजिएगा ना, आपका उत्तर हो जाएगा 3000, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, क्लियर है इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों में से 30% प्राप्त किया, टोटल 100% है, एक ने 30% प्राप्त किया तो दूसरा कितना प्राप्त किया, 70%। लेकिन हार गया जीत गया मतलब अंतर है ना, हार गया जीत गया परसेंटेज का अंतर कितना, 40 का, हारा या जीता ये अंतर ही कहलाएगा। ठीक है, तो यहां से 1% का मान निकालिएगा, 210 बटा में हो जाएगा 40, करें कुल कितना मत, कुल के लिए क्या कीजिएगा, कुल के लिए थोड़ा सा पुल कर दीजिए, ये कट जाएगा, 4 से कटेगा तो 25, 21 और 25 से गुना के 25 से कम, 25 हाथ में 2, 25 दूना 50, अब 50 से 2 52, 525 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक क्लियर हो गया। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, देखिए क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे और उम्मीदवार जिसे 43% मत प्राप्त हुआ, दूसरे उम्मीदवार को 420 मतों से हरा दिया। एक जैसा प्रश्न लेकर इसलिए आया हूं कि पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ये टोटल 100% होता है, इसका एक हो जाएगा 43% और दूसरा हो जाएगा 57%। टोटल 100% होता है, एक 43% तो दूसरा 57%, दोनों के बीच का अंतर क्या होता है, दोनों के बीच का अंतर 14% का है, और टोटल 14% है और इधर अंतर कितना है, 420 का, तो ये कट जाएगा 30। 1% का मान कितना हो गया, 30, और हमें निकालना क्या है कि टोटल कितने मत डाले गए, तो टोटल निकालना है ना, तो 1% का मान 30 जब हो जाएगा तो टोटल 100 है, 100% का मान हो जाएगा 3000, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 3000, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आशा करूं कि बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, ये थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन है। दो उम्मीदवार है और उनके बीच चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है, टोटल वैध का, 20% अवैध मत थे, यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितना अंक प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, 7500 ए टोटल वोट था, टोटल वोट कितना था, 7500, तो टोटल वोट था, तो इस टोटल वोट का, टोटल वोट जो है इसका 20% ए टोटल वोट है तो अपने आप में कितना है, 100 है, 20% अवैध है तो वैध कितना है, 80%, ये 80% क्या है, वैध है, और ये वैध मत है तो टोटल यह अपने आप में कितना, 100 है। अब सवाल करें कि 55% एगो को मिला तो दूसरा को कितना मिला, तो टोटल 100% होता है, 55 जब उसी को मिला तो 45 दूसरा को मिलेगा, और टोटल इसको टोटल गणना कर लीजिए कितना आ रहा है, ये कट जाएगा, 25 75 हो जाएगा, और 25 4 से कटेगा तो 20 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, यह हो जाएगा 60 × 45, 0 30 24 2700, आपका उत्तर हो जाएगा 2700, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा 2700। कैसे बना, तो देखो टोटल दिया हुआ है कि क्वेश्चन में टोटल यहां वोट जो है 7500 है, 7500 है टोटल वोट अपने आप में 100%, 20% अवैध है तो बचा वैध कितना, 80, फिर अपने आप में कितना, 100%,
फिर 55% एगो को मिला तो दूसरा को 45 मिला, काट दीजिए आ गया 2700 आपका उत्तर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन यह है कि दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% वोट मिलते हैं, समझने वाली बात होगी कि दो उम्मीदवार हैं उनके बीच चुनाव हो रहा है, पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मिलता है, यदि कुल 180,000 मतों में से 10% अवैध घोषित किया गया तो दूसरे उम्मीदवार को क्या मिलेगा। तो देख लो टोटल यहाँ 180,000 दिया हुआ है, ये अपने आप में कितना है 100 है, अपने आप में कितना है 100 है, इसमें अवैध कितना है 10%, तो वैध कितना मिलेगा 90, ये भी अपने आप में कितना हो गया, ये अपने आप में 100% है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अब एक को इसमें से मिला 80%, एक व्यक्ति को मिला 80%, तो दूसरा को कितना, जब 100 में 80 एक को मिल गया तो दूसरा को मिलेगा कितना 20 मिलेगा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, गुना कीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा, गुना कीजिएगा 18 में 18 से तो 324 और 00 32,400 आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32,400। 180,000 टोटल वोट था, ये अपने आप में 100 था, फिर वैध निकालेंगे 10% अवैध है तो वैध मिलेगा 90, ये फिर अपने आप में 100 है। अब कह रहे कि भाई टोटल अब दो व्यक्ति है उसमें से 80% एगो को मिला तो दूसरा को 20 मिलेगा, कैलकुलेशन कर दिया गया तो 32,400 आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब मैं आपको बता दूं ये केवल मिश्रण पर आधारित प्रश्न होंगे, पहला जो आपने टाइप पढ़ा वो सिर्फ किसमें थे, वो सिर्फ चुनाव से संबंधित प्रश्न था और अब मिश्रण से संबंधित आपको प्रश्न मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं, ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट है, इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिला दी जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए। तो देखिए हमें अशुद्धता का प्रतिशत की बात कर रहे हैं, अशुद्धता का प्रतिशत, तो आपको क्या करना होगा कि अशुद्ध कितना है, देखिए देखा जाए अशुद्ध अशुद्ध कितना है, यह बात समझिए, कह रहे कि 50 लीटर है इसमें से 20% की अशुद्ध मिलावट पाएगी, अशुद्ध कितना है 20%, 20% निकाल दीजिए आ जाएगा 10 लीटर इसमें क्या हो गया अशुद्ध हो जाएगा, कह रहे कि 10 जो है अशुद्ध हो गया। अब कह रहे कि भाई इस टोटल में ग्लिसरीन कितना मिलाया जाए, एक्स मिलाया जाए, 50 लीटर था ना उसमें से ग्लिसरीन एक्स लीटर मिला दिया जाए, तो ये टोटल जो कैलकुलेशन है इसका 5% निकाले तो कह रहा है कि यह अशुद्ध आना चाहिए, मतलब टोटल का 5% अशुद्ध रह जाना चाहिए, तो अशुद्ध तो जैसे था वैसे ही रह जाएगा, टोटल का 5% निकाल दीजिएगा, ये कट जाएगा तो 20 से कटेगा, कैंचिया गुना कर दीजिए 20 में 10 से तो 200, एक्स बराबर जाकर इधर घटेगा ना तो 200 घटाओ 50 हो जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 150 लीटर, आप ग्लिसरीन आपको मिलाना होगा 150 लीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न भी समझते हैं, इस समझ में आया होगा, देखो कह रहे कि 50 लीटर है इसमें से अशुद्ध कितना है 20%, तो अशुद्ध निकाल दीजिए तो 10 लीटर आ गया। अब ये अशुद्ध कह रहे हैं ना, ये अशुद्ध जो कह रहे कि कितना ग्लिसरीन मिला है टोटल में, कितना ग्लिसरीन मिला है कि इसका 5% ही अशुद्ध रह जाए, तो टोटल का 5% बराबर यह अशुद्ध रह गया, कैलकुलेट कर दीजिए आपका 150 लीटर आ जाएगा, मतलब ग्लिसरीन आपको मिलाना पड़ेगा 150 लीटर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, एक कंसेप्ट विथ ट्रिक है, ओनली केवल अगर ट्रिक अगर देखते हो लोग कहते हैं इसमें से उसमें घटा दीजिए तो जल्दी भुला जाओगे, ज्यादा ज्यादा ट्रिक के फेर में रहने पर क्या होता है कि परीक्षा में जब नर्वस होइएगा ना पते नहीं लगेगा कावना में क्या जोड़े कावना में से क्या घटा है, इसको कहते हैं एक कंसेप्ट विथ ट्रिक है, एक कंसेप्ट भी है और ट्रिक भी है, ये नहीं भूल पाओगे अगर प्रयास करोगे बार बार तो नहीं भूल पाओगे। करे कि किलोग्राम स्प्रिट ऑफ किलोग्राम कितना किलोग्राम स्प्रिट के मिश्रण में 10% जो है स्प्रिट है, पानी की मात्रा बढ़ाकर 25 किया जाए तो इसमें जो है क्वेश्चन में आगे किलोग्राम है ही नहीं, तो आगे किलोग्राम नहीं है तो एक काम कीजिएगा ये अपना से बना लीजिएगा, मैं क्वेश्चन ठीक ऐसे ही जैसे अभी हुआ है ना वैसे ही मैं अपना से क्वेश्चन दे रहा हूँ 20 किलोग्राम और इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर बताइएगा, 20 किलोग्राम स्पीड और पानी के
मिश्रण में 10% पानी है, तो पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। ठीक है, तो अभी जो है मैंने इसी टाइप का सवाल बताया था, कोशिश कीजिएगा बना लेने के लिए। अशुद्ध सवाल था तो एक टाइप वो मैंने बताया और दूसरा क्वेश्चन आप बनाइएगा। और जरूरी नहीं कि इसमें से ऑप्शन आ जाए, क्योंकि वहाँ पे 20 मैंने अपना से लगाया है, वहाँ किलोग्राम के फले कितना किलोग्राम है यह मिस्टेक है। देखते हैं फिर यह क्वेश्चन, ये भी वैसे ही है। 18% एल्कोहल विलयन की 700 मिलीलीटर मात्रा में शुद्ध एल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि विलयन 30% शक्ति का बन जाए। ठीक है, कुछ नहीं करना है। टोटल 700 है, 18% इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल सात, टोटल विलयन का 700 में 18% है, तो 18% का मान निकाल लीजिए, इसका मतलब हुआ 126 मिलीलीटर। 126 मिलीलीटर क्या है, अल्कोहल है। करें कि अल्कोहल कितना मिला है, अल्कोहल कितना मिला, 700 में मान लेते हैं अल्कोहल आपने X मिलाया, तो ये अल्कोहल रहना जाना चाहिए 30%, तो टोटल का 30% अल्कोहल हो जाना चाहिए। टोटल 700 था, मैंने अल्कोहल मिलाया है X, अब पहले अल्कोहल था 126 और अभी मैंने मिलाया है कितना, X मिलाया है, तो एक इतना टोटल में X मैंने अल्कोहल मिलाया और इसका 30% आएगा अल्कोहल, लेकिन अल्कोहल पहले 126 था और अब X मिलाया है तो X जोड़ना पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, गुणा कीजिए, यह हो जाएगा 2100 और प्लस में 3x, ये गुणा कीजिए, 1260 होगा, 10 में x से तो 10x हो जाएगा, घटा दीजिए, यह x इधर जाकर घट जाएगा 7 हो जाएगा और यह इधर जाकर घटेगा तो यह हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा 800, यह हो जाएगा 840, काटिएगा तो आ जाएगा 120, x का मान हो जाएगा 120, आपका उत्तर हो जाएगा 120 मिलीलीटर अगर और मिलाया जाए तो काम यह बन जाने वाला है, कितना 120 मिलीलीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 15 लीटर, एकदम सेम है, 15 लीटर आयतन में 20% अल्कोहल है और शेष जल है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या होगी। तो अल्कोहल जो है वो 15 लीटर में 20% है, 20/100 कर दीजिए, 5 × 3 = 15, 3 लीटर अल्कोहल है। ठीक है, करें कि भाई अब करना यह है कि 15 लीटर टोटल था, 3 लीटर पानी और मिलाया जाए, 3 लीटर मिलाइएगा तो पहले 15 था, अब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 जोड़ दीजिएगा तो 18 हो जाएगा। और इसका कितना परसेंट, मैंने इसकी 3 लीटर अगर मिला दिया जाए तो कितना प्रतिशत कहा जाए कि अल्कोहल जो था वो 15 का 20% था तो काट कर 3 लीटर आ गया। कह रहे हैं कि यह जो 3 लीटर अल्कोहल है, अगर मैं 3 लीटर और, यह जो 3 लीटर अल्कोहल है, कह रहे कि मिश्रण में 3 लीटर और पानी मिला दे तो 15 था तो यह हो जाएगा कितना, 18 ना, माने आपका अल्कोहल का प्रतिशत निकालना है तो अल्कोहल का मात्रा ऊपर लिख दिया गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल का मात्रा ऊपर लिख दिया गया और बटा में क्या होगा, बटा में टोटल, तो टोटल कितना, तो 15 लीटर यहां पर है और 3 लीटर आपने मिलाया है तो कितना हो जाएगा, 18 और गुना में हो जाएगा 100, ये काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 ये 3 से और ये 50 से, ये हो जाएगा 50/3, 16.2/3%, 16.2/3% आपका अल्कोहल का प्रतिशत मात्रा हो जाएगा। अल्कोहल निकालना है 15 लीटर में 20% है तो 15 × 20/100 ये कट जाएगा तो हो जाएगा 3 लीटर, 3 लीटर जब हो गया तो अल्कोहल आपका 3 हो गया और टोटल, अब देखो अल्कोहल तो 3 रहेगा लेकिन 15 लीटर था और 3 लीटर और पानी मिला रहे हो, पानी मिलाओ कुछ भी मिलाओ, विलयन आपका 18 हो जाएगा, गुना में 100 काट दीजिए तो 50/3, माने यह कैलकुलेट कीजिएगा 16.2/3% हो जाएगा अल्कोहल का प्रतिशत। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न को समझिए। 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक रहा है, बाहर निकल गया, ड्रम में अब कितना परसेंट तेल बचेगा, कुछ नहीं करना है, 5% तेल निकल जाएगा, परसेंट निकाल दो इसका, 5 × 10 12.5%, 12.5 मैंने कितना परसेंट, अच्छा अगर
शेष कितना प्रतिशत बचा है, तो 5 लीटर जब 5% निकल गया तो बचा कितना 95%। मात्रा में कहता कि कितना मात्रा तेल बाहर निकल गया, तो 12.5%, कितना 12.5 लीटर जो है वह तेल टपक गया बाहर। 250 का टपक रहा है कितना 5% तेल बाहर, 5/100 कैलकुलेट कर दो, 12.5 आ जाएगा, 12.5 लीटर टपक रहा है। परसेंट में पूछा जाएगा तो परसेंट में पूछा जाएगा कि कितना बचा है, ये तो टपक रहा है 12.5, लेकिन परसेंट में कितना परसेंट बचा है, तो 5% निकल गया तो 95% बचा है, उसमें क्या करना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है और शेष दूध है, इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए ताकि दूध की प्रतिशत मात्रा 50 रह जाए। दूध की कर है तो दूध का जिसका कर है उसका ही निकाला जाएगा शुरू से। 100 का 10% पानी है तो कितना परसेंट दूध है, 90%, या 90 लीटर जो है वह दूध है। ठीक है, मतलब दूध कह रहे कि 100 लीटर मिश्रण है, इसमें 10% जो है पानी है, तो 90% दूध होगा ना, कट जाएगा तो 90 आपका 90 लीटर जो है वह 90 लीटर क्या है, दूध है। अब कह रहे क्वेश्चन कि इसमें पानी कितना मिलाया जाए, 100 में पानी कितना मिलाया जाए, एक्स मान लेते हैं, 100 में एक्स मिलाते हैं, और यह कह रहे हैं कि 50% रह जाएगा, टोटल का 50% हो जाएगा यह दूध। ठीक है, एक कट जाएगा दो मरतबे, 100 + x कैंचिया गुना कर दीजिए 180, यह जाकर इधर घट जाएगा, 180 में से 100 जाएगा कितना होगा, 80 लीटर हो जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 80 लीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एक क्लियर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, और अगला प्रश्न आपके पास यह है, और यह टाइप दूसरा शुरू हो रहा है ऐसे इसी टाइप के साथ, ये टाइप मैंने प्रीवियस में बताया भी है, और मैं चाहूंगा आप बताइए कमेंट में इसका उत्तर क्या होगा, ऐसे मैं बता दे रहा हूं लेकिन आप बनाकर जरूर बताइएगा। 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है किसी शहर की जनसंख्या, वर्तमान में है इतना, ठीक है वर्तमान में इतना है, मैंने कहा कि अगर जनसंख्या बढ़ रहा है वर्तमान में दिया है तो 1+ बढ़ कितना रहे 10%, 10/100 हो जाएगा। 2 वर्ष पहले कितना थी, 2 वर्ष पहले कितना थी यह पूछ रहा है, तो 2 वर्ष पहले कितना था, x था, और वर्तमान में कितना हो गया है 121/000। करें वर्तमान में कितना, मैंने वर्तमान में यह है और कह रहा है कि पहले कितना था, तो पहले मान लेते हैं x था और ये बढ़ता बढ़ता गया, तो पहले x मान लीजिए और x इंटू 1+ लगा दीजिएगा, 10% बढ़ रहे हैं तो 1+10/1 / 10/100 कितना वर्ष में, 2 वर्ष में ये कट जाएगा, x गुणे भिन्न का करो 10 × 11, 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा, अब 121 हो जाएगा, 10 का 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा, कैशिया गुणा कीजिए, 1 पर कितना 0 आ जाएगा, 3 × 2 = 5, आपका यह उत्तर आ जाएगा। ठीक है, मतलब पहले जो था वह संख्या जो था वह 100,000 था, जैसे अभी का दे दिया है, ठीक है आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक और कॉन्सेप्ट है, अभी का नहीं माने पहले का नहीं मालूम है तो x मान लो, उस समय अपने आप में था 100, 10% बढ़ा तो 110, फिर अपने आप में हो जाएगा 100, फिर दूसरा साल बढ़ा 110, और दूसरा साल पढ़ने के बाद हो गया 121/000। अब अगर देखा जाए 1 + 0 = 0 कट जाएगा इधर, 121 से कट जाएगा, अब गुना कीजिएगा ना, तो 1 पर यह हो जाएगा 4 गो, यहाँ 1 बचा है 5 गो, आपका उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप पूरा कंसेप्ट समझे होंगे, और अगले जो वीडियो जो होगा कल जब हम लोग लाइव होंगे 7 बजे फेसबुक पर, तो फेसबुक पर इस लाइव के दौरान जो है वो हम क्या समझने वाले हैं, इस फेसबुक पर लाइव के दौरान हम समझने वाले हैं कि भाई यह जो आपका संख्या आधारित जो प्रश्न है, संख्या आधारित या फिर आप कहिए कि लड़का लड़कियों का अनुपात 3:7 है, 10% लड़की साक्षर है, 20% लड़का साक्षर है, तो टोटल साक्षरता दर क्या होगा, इस टाइप के प्रश्न कई बार देखे गए हैं, पूछे गए हैं, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आपको यह वीडियो जिस प्रकार से अच्छा लगा होगा ऐसे ही आगे भी लगेगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप फॉलो कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में, समय होगा कल
7 बजे। दीजिए इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।